हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, मैं विप्लव कुमार एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आज हम पिछले क्लास में हमने फर्स्ट पेपर के जो 5 दिसंबर को पेपर हुआ था उसी के रीजनिंग की चर्चा हमने की थी। आज मैं कुछ फर्स्ट पेपर के अदर प्रश्न को लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप किस तरह से 50 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चंस प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर टेक्निक सीखना है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह अगर चाहते हैं कि जून 2020 में जिस दोस्तों का JRF इस बार रुक सकता है लेना है, तो इसी टेक्निक के लिए पूरे सिलेबस पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन क्लास से रेगुलर या ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आसानी से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस टेक्निक के यूज करके आप प्रश्न बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, क्वेश्चन सामने रखिएगा, एनवायरमेंट का क्वेश्चन था। हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी डाला हुआ था, और जो रेगुलर या ऑनलाइन क्लास से पढ़े होंगे फर्स्ट पेपर उनके लिए बहुत ही इजी सवाल था दोस्तों। तो प्रश्न है, जो प्रश्न है इसमें कथन और कारण दिया गया है। देखिए कथन जो है, अभी कथन है, वो कहता है गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप वाली दोपहर के बाद, समझिएगा क्वेश्चन कि गर्मी के मौसम में, जब गर्मी का मौसम जून जुलाई में होता है दिल्ली में, चिलचिलाती धूप वाली दोपहर के बाद के समय में दिल्ली जैसे शहर में क्षोभ मंडलीय ओजोन सतह स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम होने की संभावना होती है। क्या कह रहा है? कम होने की संभावना होती है। किसके क्वेश्चन सामने रखिएगा तो फिर जीवन में आपसे ऐसे प्रश्न गलत नहीं होगा। कहता है कि गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप वाली दोपहर के बाद के समय क्षोभ मंडलीय ओजोन स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम होने की संभावना होती है, क्षोभ मंडलीय स्तर। दोस्तों यद्यपि ये प्रश्न गलत है, कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाता है दोपहर के बाद। मैंने आपको क्षोभ मंडल संरचना बताया था दोस्तों, आपने पढ़ा होगा शायद, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हमने पढ़ाया था। वायुमंडलीय स्तर को 4 भागों में बांटकर हम देखते हैं, ठीक है। पहले को कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरे मंडल को दोस्तों कहते हैं समताप मंडल, और तीसरे को कहते हैं आयन मंडल, और लास्ट वाले को कहते हैं बहिर्मंडल। ये सब हमने बताया था एनवायरमेंट में। और देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में O3 लेवल पाया जाता है दोस्तों, जिसे कि हम ओजोन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। इस ओजोन की खासियत है दोस्तों, ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को, प्रावेगनी किरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण कि चर्म रोग या कैंसर रोग से हम बच जाते हैं। अच्छा अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाए तो उसके कारण बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारे चर्म रोग, कैंसर जैसे बीमारी और बढ़ जाएगा। तो यह O3 एक लेवल के रूप में काम करता है। दूसरा याद रखिएगा क्षोभ मंडल। दोस्तों जितना भी भौगोलिक क्रियाएं होती है, चाहे आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, सारे इन वातावरण हो,
सारे क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसीलिए जो हवाई जहाज हमारा है वो समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि इन बाधक तत्वों से वो बचकर आगे बढ़ जाता है। इसी तरह का प्रश्न पूछा था कि गर्मी के मौसम में जब धूप के बाद के समय में दिल्ली जैसे शहर में क्षोभ मंडलीय ओजोन स्तर सुबह और शाम की तुलना में कम होने की संभावना, बिल्कुल गलत है दोस्तों। सुबह और शाम की तुलना में दोपहर के बाद बढ़ जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि सुबह और शाम की तुलना में दोपहर में गर्मी भी ज्यादा बढ़ता है, गर्मी ज्यादा होती है। इस क्यों गर्मी ज्यादा होती है दोस्तों, इसको भी हमने रेगुलर ऑनलाइन क्लास में समझाया है, तो वहां से जुड़ के भी ऐसे ऐसे प्रश्न को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा होता है ना कि कम होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। कहता है दो तर्क क्या है दोस्तों, समझिएगा कि दोपहर बाद की अवधि में वायुमंडल अस्थिर रहता है तथा सुबह और शाम की तुलना में इसकी बिलियन क्षमता अधिक होता है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, मैंने क्लास में भी ऑनलाइन में बताया था कि दोपहर के बाद जो वायु अस्थिर हो जाता है, एक जगह नहीं रहता है वो, क्योंकि उसमें जब भी गर्मी का टेम्परेचर ऊपर जाता है तो वो अस्थिर हो जाता है, और सुबह और शाम की तुलना में इसकी जो बिलियन क्षमता है, मिलाने की क्षमता है, और भी बढ़ जाती है। अर्थात पहला गलत होता और दूसरा सही होता। ये एनवायरमेंट का सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, समझने वाला सवाल था। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक प्रश्न पूछा था कि गणितीय अवधारणाओं के अधिगम में निम्न में से किस कारक का योगदान नहीं होता है। जब गणितीय थॉट को समझते हैं, जब जैसे कि हमने बताया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है। तो गणितीय थॉट को हम जब समझते हैं दोस्तों या समझाने का प्रयास करते हैं, और आपका प्रश्न पूछा है कि इसमें क्या योगदान नहीं होता, होता है नहीं होता पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जीवन की वास्तविक घटनाएं बिल्कुल होता है दोस्तों, हम गणितीय थॉट के द्वारा जीवन की वास्तविक घटनाओं को भी जानते हैं। जैसे आपके साथ कोई वास्तविक घटना 10 वर्ष पूर्व हुआ और हम गणितीय मैथमेटिकल द्वारा कैलेंडर द्वारा निकाल सकते हैं कि वो कब हुआ। इसी तरह पाठ्यक्रम के निर्धारण के पूर्व अधिगमकर्ताओं में विद्यमान गणितीय ज्ञान का मूल्यांकन बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जब भी हम गणित पढ़ते हैं तो पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले उसका मूल्यांकन करते हैं कि उस बच्चों का स्तर क्या है, उसके समझने का स्तर क्या है, उसके अंडरस्टैंडिंग स्तर क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवधारणा के प्रतिपादक गणितज्ञ के जीवन अनुभवों का वर्णन, ये भी होगा। जैसे मान लिया कि कोई गणितज्ञ है, चाहे जो भी हो गणितज्ञ, उसको जब हम समझते हैं तो उनके टेक्निक के द्वारा हमें मदद मिलता है। तीसरा अवसर था दोस्तों गणित और इतिहास को एक साथ पढ़ना, कहता है कौन योगदान नहीं है, कभी भी गणित और इतिहास को एक साथ नहीं पढ़ते हैं। यही हमारा आंसर होता, और ये पूछ रहा है नहीं है तो यही गलत हो जाएगा, कि कभी भी गणित के साथ हम इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इतिहास को, जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ए माइनस बी का, उसमें इतिहास नहीं आता है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता। एक दोस्तों बाइनरी पूछा हुआ था, मिलाने वाला पूछा हुआ था बाइनरी का। पिछले क्लास में हमने रेगुलर और ऑनलाइन दोनों क्लास में बाइनरी बताया था, उसी बाइनरी को एक तरफ दे दिया दशमलव में 50 और दूसरी तरफ दे दिया 1 1 1 0 1 0,
तो हम लोग 50 का पूछा हुआ था कि 50 का बाइनरी कैसे निकालें। पहले भी हमने बताया था कि 50 का बाइनरी कैसे निकाल सकते हैं। यहां शेष लिखना होता है दोस्तों, दशमलव को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से भाग देते हैं तो 25 दूना 50 होता है, शेष हमारा 0 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो गया, शेष हमारा 1 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे 6 दूना 12 हो गया, शेष 0 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे 3 दूना 6 हो गया, शेष 0 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 और यहां पर शेष 1। अर्थात हमारा आंसर आया, हमने बताया था नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 1100 और 10। अब मिला लेंगे कि इसका किससे मेल खाता है, 1100 10, जिससे भी मेल खाएगा दोस्तों। और एक भी अगर आपको मिलाने के लिए आता है तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ और सवाल को हम लोग लेंगे। कहता है कि निम्न में से क्या निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपने पूछा था निम्न में से कौन निगमनात्मक अनुमान का पार्ट नहीं है, निगमनात्मक अनुमान का पार्ट नहीं। दोस्तों यहां पे हमने आपको रेगुलर और ऑनलाइन क्लास में भी हमने बताया आगमन क्या होता है और निगमन क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि आगमन मतलब होता है उदाहरण से सिद्धांत की ओर। क्या होता है? उदाहरण से सिद्धांत की ओर आगमन होता है। दो चीजों की हमने चर्चा क्लास में की थी, आगमन मतलब होता है उदाहरण से सिद्धांत की ओर। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी बच्चे को हमने बोला ऊपर गेंद को फेंक दिया और जब गेंद नीचे गिरी तो हमने बोला भाई गेंद क्यों गिरता है, तो हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण गेंद पृथ्वी की ओर गिरता है। तो यहां पर पहले क्या हुआ, उदाहरण दिया, फिर सिद्धांत क्या आया, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण। तो यहां उदाहरण से सिद्धांत ये छोटे बच्चों के लिए जरूरी होता है। उसी तरह दोस्तों निगमन होता है जिसमें सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। पहले हम सिद्धांत बताते हैं, जैसे हमने सिद्धांत E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर हमने बताया, या सिद्धांत दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर हमने इसी के उदाहरण पर एग्जांपल दिया, ये होता है उदाहरण से सिद्धांत की ओर। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होता है दोस्तों याद रखना, इसमें कुछ जो आधार वाक्य होता है उसको भी हमने ऑनलाइन क्लास में बताया था। पहला होता है परिवर्तन, कि क्या परिवर्तन आ रहा है उदाहरण में, इनको याद रखिएगा। दूसरा आता है प्रतिवर्तन और तीसरा होता है प्रति परिवर्तन। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था दोस्तों कि निम्न में से क्या निगमनात्मक अनुमान का भाग नहीं है, तो इसमें हो जाता है न्याय वाक, जजमेंट। हम अपने से किसी उसके परिवर्तन की चर्चा करते हैं, प्रतिवर्तन की चर्चा करते हैं, प्रति उसके प्रति जो परिवर्तन होता है, लेकिन जजमेंट हम नहीं देते हैं। तो न्याय वाक इसका पाठ नहीं होगा। क्या होगा? न्याय वाक इसका पाठ नहीं होगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन को आज लेंगे दोस्तों। सिंपल भाषा में अगर आप फर्स्ट पेपर को समझने का प्रयास कीजिएगा तो आराम से आप इस साल के प्रश्नों को भी कम से कम 30-35 सवाल को बिना पढ़े भी हल कर सकते थे।
बशर्ते कि वो बेस्ट टेक्निक आपके पास हो समझने का। एक सवाल पूछा था, निम्न में से क्या भारतीय तर्क शास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार अनुमान की प्रतिक्रिया में हेतु पद को व्यक्त करता है, हेतु पद को व्यक्त करता है। दोस्तों हमने कहा था हेतु सिंपल अगर बोले तो हेतु मतलब क्या होता है, कारण, बस इतना ही था। हमने ये भी बताया था हेतु मतलब होता है कारण, यानी काव्य हेतु, यानी काव्य का हेतु क्या है, कारण क्या है, हेतु मतलब ही होता है कारण। अगर इतना आप ध्यान दें, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, तो यहां धुआं क्या है, कारण है, और क्या है, इसके बदले ही आग है। तो यहां हेतु का मतलब होता है कारण। यही क्वेश्चन पूछा था, हेतु का पद का क्या व्यक्त करता है, उदाहरण को व्यक्त करता है, सिद्ध करने हेतु प्रस्तावना, सिद्ध या कारण का कथन, तो हेतु स्पष्ट करता है कारण के कथन को, हेतु व्यक्त करता है कारण की कथन को। एक प्रश्न को और लेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि विद्यार्थियों का, इसका इंग्लिश टर्म जरूर देखते आसान हो जाता है, कि विद्यार्थी का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। जैसे कि हमने हिंदी साहित्य में आपको बताया था कि इसमें किससे निर्धारित होता है, किससे नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं कि जो आप पढ़ने के लिए क्लास में जाते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या शारीरिक गठन, नहीं शारीरिक गठन या मोटे तगड़े हो लेकिन पढ़ने में तेज हो, नहीं हो, तो शारीरिक गठन वाले ऑप्शन खत्म हो जाते तो ऑटोमेटिक हमारा, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा दूं कैसे आसानी से बन दे। प्रश्न था कि विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है, तो इनको सिंपल में समझ जाए, पहला है प्रज्ञा, प्रज्ञा, दूसरा है अभिप्रेरण, अभिप्रेरण, तीसरा है दोस्तों शारीरिक गठन, और चौथा है लिंग, सॉरी एबीसी करके दिया हो गया है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। ऑप्शन पहला में दिया है ए एंड बी, दूसरा में दिया है ए एंड डी, तीसरा में दिया है बी एंड सी, और चौथा में दिया है सी एंड डी। अब देखिए हम लोग आंसर तक कैसे पहुंच सकते थे, चलिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि कहता है कि शिक्षण मतलब अकादमिक में, मतलब कि विद्यार्थी के लिए अकादमिक में क्या जरूरत है, शारीरिक गठन का कोई जरूरत नहीं, जरूरत शारीरिक कुछ हो नहीं तब भी काम चल जाएगा, मतलब सी ऑप्शन वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया और सी इसमें भी है तो ये गलत हो गया। देखिए हम कैसे आसानी से पता कर सकते हैं आंसर कौन होगा, लिंग, स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो, अकादमिक में सब बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो यही पढ़ेंगे, पुरुष है तो यही पढ़ेंगे, मतलब ये डी भी गलत हो जाएगा, तो जिसमें भी डी ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। अब चूंकि एक ही ऑप्शन बचा है तो ये सही हो। तो दोस्तों अगर आंसर नहीं भी आता है तो हम टेक्निक के द्वारा आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं, हमारा सही होगा प्रज्ञा, दूसरा अभिप्रेरण जिसे मोटिवेशन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फर्स्ट पेपर में भी आसानी से प्रश्न बना सकते थे। आगे फिर हम कुछ और फर्स्ट पेपर के प्रश्नों को समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चाहते हैं कि हम फर्स्ट पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लें तो आप ऑनलाइन और रेगुलर क्लास से जुड़िए, और मेरा दावा है कि 40 प्रश्न तक आप बना सकते हैं। धन्यवाद।